नमस्कार माय लॉर्ड में आपका स्वागत है। क्या हमारे देश में दो दो शादियां करना एक अपराध की श्रेणी में आता है? इसे लेकर अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग धारणाएं बनी हुई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर बार दो शादियां करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता। हालांकि कानूनी रूप से दो बार शादी करना एक अपराध है और कानून में इससे संबंधित कई प्रावधान भी हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 में यह बताया गया है कि किन परिस्थितियों में की गई दूसरी शादी एक अपराध माना जाता है। आईपीसी की धारा 494 के अनुसार पति या पत्नी के रहते हुए भी बिना तलाक लिए दूसरी बार विवाह करना एक अपराध माना जाएगा। इस धारा में बताया गया है कि अगर कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुए भी दूसरी बार शादी करता है तो एक तो उस विवाह को शून्य माना जाएगा यानी वैलिड नहीं माना जाएगा और दूसरा कि ऐसा करने वाले व्यक्ति को दोषी माना जाएगा। इतना ही नहीं, इस अपराध के लिए दोषी को 7 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। बताते इस धारा में ये भी स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के पहले विवाह को अदालत ने कानूनी रूप से खत्म कर दिया है और वो व्यक्ति दोबारा शादी करता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। या फिर ऐसे पति या पत्नी जो 7 साल से साथ नहीं रह रहे हैं, वो किसी और से अपने पहले विवाह के बारे में बता कर विवाह करते हैं तो उसे भी अपराध नहीं माना जाएगा। आईपीसी की धारा 495 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति धारा 494 में बताए गए नियम के खिलाफ जाकर दूसरा विवाह करता है, यानी कि वो विवाह करने से पहले अपने दूसरे पार्टनर को अपने पहले विवाह के बारे में नहीं बताता है तो वो दोषी माना जाएगा। इस अपराध के लिए दोषी को 10 साल की जेल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वो महिला जो दूसरी शादी की शिकार होती है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत पुरुष को अदालत में घसीटने की हकदार है, जो कि दो विवाह को एक आपराधिक अपराध बनाता है, जो कि अधिकतम 7 साल की जेल की सजा के साथ दंडनीय है। वहीं न्यायमूर्ति जेएम पांचाल की अध्यक्षता वाली पीठ ने आंध्र प्रदेश के एक पुलिसकर्मी पर दो शादी के आरोप में मुकदमा चलाने का आदेश दिया। पुलिसकर्मी की इस दलील को खारिज करते हुए कि दूसरी महिला द्वारा उसके खिलाफ दहेज उत्पीड़न की शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि वो उसकी पहली शादी के निर्वाह के मद्देनजर कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं थी। पीठ ने आईपीसी की धारा 498A के तहत आरोपों को बहाल कर दिया है। इस तरह कानून से जुड़ी और भी जानकारी के लिए देखते रहिए माय लॉर्ड।